मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मंगलवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं भाजपा में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ इस बैठक में वर्चुअली जुड़े। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा भी वर्चुअल जुड़े। इस बैठक को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने खास बातचीत की है, सुनिए आप क्या कुछ कहा उन्होंने। यात्रा को लेकर आज पीसीसी कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें तमाम नेता शामिल हुए। पीसीसी जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारी के हमारे साथ हैं, वो भी इस मीटिंग में थे। सर, क्या क्या बातें हुई, क्या चर्चाएं हुई, कमलनाथ जी जुड़े थे बच्चों पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के पूरी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। सारे सीनियर नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए कैसे इस यात्रा को सफल बनाना है। स्वयं कमलनाथ जी भी जूम के माध्यम से जुड़े और कई माननीय विधायकगण, कई नेता सीनियर लोग हमारे इस जूम के माध्यम से जुड़े। सबने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उनको सबको हमने सुना, नोट किया और ज़्यादा से ज़्यादा सुझावों को कैसे हम लोग सफल बनाने में उन सबको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उस पर हम लोग योजना बना के सभी सुझावों का पालन भी करेंगे। कमलनाथ जी वर्चुअली जुड़े, ग्राम लग गया है। मैंने तो आपने सबसे पहले मेरा इंटरव्यू लिया था और मैंने आपको कल ही ये बात कह दी थी कि आप जब दो दिन बाद मेरे से मिलोगे और वही बात निकलेगी कि ऐसी ये सब सवाल काल्पनिक हो जाएंगे, और आज मेरी बात फिर सत्य हो ही गई। तो ये जितनी भी प्रोपोगंडा था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा एक फैलाया हुआ झूठ था, अफवाह थी, जो कि अब खारिज हो चुकी है। अब आपके सब चीज़ें सामने हैं, ना ऐसी कोई कभी बात थी, ना कभी भविष्य में उजागर होगी। कांग्रेस पार्टी एकदम संगठित है और ये बात मैं नहीं कह रहा, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये बात कही है कि इतनी संगठित कांग्रेस हमने नहीं देखी, रिकॉर्ड पे ये बात। तो अब आप समझ लीजिए ऐसी संगठित पार्टी को अब ये डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास असफल। डिवाइड एंड रूल का प्रयास बीजेपी कर रही थी, वो सफल नहीं हुआ, इस तरह का हेमंत कटारे का बयान है। साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे थे, मात्र अफवाहें थी, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार करने को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई। कैमरामैन सनी झा के साथ INS 24 7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।